क्या हम लोग इस समय तीसरे विश्व युद्ध के बीच में हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस पर अलग अलग बात कर रहे हैं और उसके अलग अलग तर्क दे रहे हैं, मगर मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उसके बारे में अभी तक कहीं पर चर्चा नहीं है। सबसे पहले आप एक पोस्ट देखिए और उसके बाद में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि नेक्स्ट हॉटस्पॉट इंडिया रहेगा जहां से केस बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट उन्होंने 7 दिन पहले लिखी थी और आज की खबर क्या है वो भी जान लीजिए। आज तक पर सुबह से एक खबर चल रही है कि तबलीगी जमात के अंदर चीन से भी लोग आए थे और उसके बाद में भारत में जितने भी लोग अभी मरे हैं उसमें से 15 लोग वही हैं जो कि तबलीगी जमात का हिस्सा रहे हैं। यानी कि जो बात 7 दिन 8 दिन पहले चाइना ने लिख दी है वो 7-8 दिन बाद में प्रूव हो गई है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं 2012 से, नहीं 2012 से भी पहले से शुरू करता हूं, अफीम युद्ध ओपियम वॉर्स से। ओपियम वॉर्स का मतलब यह था कि ब्रिटेन के लोगों को चाय की तलब लग गई और वो चाइना से बहुत सारी चाय इंपोर्ट करने लग गए, जिसकी वजह से जितना भी वहां का चांदी था या जो भी अर्थव्यवस्था थी वो चाइना की तरफ जाने लग गई। ये तो अच्छी बात है, कोई भी देश अपने यहाँ का जो एग्रीकल्चरल रिसोर्स है किसी को निर्यात करता है तो ये अच्छी बात है। मगर यहां पर एक पेच आया, वो पेच ये था कि अर्थव्यवस्था किसी को भी पसंद नहीं आती हमारी खराब हो जाए तो। ब्रिटेन को भी ये बात पसंद नहीं आई और इतिहास को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर अफीम की खेती करवाई गई और चाइना के अंदर उसको बेचा गया। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बुरी बात थी, वहां के लोगों को उसकी लत लगाई गई और वहां से मतलब अफीम के बदले में तो मोटा धन आता है, तो जो पैसा चाय के बदले जा रहा था वो ओपियम के बदले वापस ब्रिटेन के अंदर आने लग गया, साथ ही के अंदर वहां पर कुछ लोग अफीम की लत में आ गए। कितनी बुरी बात है। खैर, हम 2012 में आ जाते हैं। 2012 में अमेरिका ने हुआवई जो कंपनी है उसके ऊपर शिकंजा कसा और उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपनी है इसका चाइना और चाइना की गवर्नमेंट से सीधा ताल्लुकात है और अपना ताल्लुकात ये किसी को बता नहीं रहे हैं। हुआवई के ऊपर अमेरिका को और बाकी लोगों को शक होने का कारण ये था क्योंकि उसका जो फाउंडर था वो पहले चाइना की आर्मी के अंदर था और हुआवई इस तरीके से ग्रो कर रही थी जैसे उसके पीछे कोई ना कोई सरकार लगी हुई हो। तो बाप के बाद में हुआवई की कमान आई उसकी बेटी पर। हुआवई की सीएफओ सबरीना मैंग वांजाऊ को अरेस्ट कर लिया गया कनाडा में। एक बड़ी कंपनी की सीएफओ को, यानी कि जैसे उसकी मालिकी थी, मालकिन ही थी वहां की, उसको अरेस्ट कर लिया गया कनाडा के अंदर। और बड़े अजीब सी बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के वाइफ को भी कोरोना वायरस हो गया था। मगर आप इत्तेफाक का लेवल देखिए, अमेरिका के जितने भी साथी देश हैं, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, उन सारों के अंदर जहां पर ईरान के लिए सैंक्शन लगे हुए हैं और चाइना के खिलाफ वो बयानबाजी करते रहते हैं, और हुआवई यानी कि ऐसी कंपनी जिसके ऊपर अमेरिका को शक है, उस सब को उन्होंने अपने यहां से बाहर कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना ने कोरोना वायरस के ऊपर आराम से काबू पा लिया और ईरान जैसी जो जगह है जिसके पास में हेल्थ रिसोर्सेज कुछ नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल्स कुछ नहीं है, सैंक्शंस जहां पर लगे हुए हैं, उसने भी काबू पा लिया। मगर दूसरी ओर जो विकसित देश हैं वो ऐसा नहीं कर पाए। अच्छा, विकसित देशों की अगर हालत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकसित देशों की हालत खराब है। ऐसे देशों की हालत खराब है जो देखा जाए तो चाइना के खिलाफ थे, और ऐसे देश ईरान जैसे देश जिसकी हालत ठीक है, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका से। तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं और अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर हुआवई के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। बात अगर इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है अभी तो मैं और बात आपको बताता हूं। 31 मई 2019 यानी कि कोरोना वायरस का अटैक होने से 7 महीने पहले की यह खबर देखिए, जहां पर लिखा हुआ है कि चाइना यूएस के खिलाफ कुछ कदम उठाने वाली है क्योंकि हुआवई के विरुद्ध एक और कड़ा फैसला ले लिया गया है जो कि चाइना की बेहद करीबी कंपनी है। हुआवई के विरुद्ध जो भी फैसला लिया गया उससे चाइना बौखलाया हुआ था, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। और ये जो खबर है 2012 की, जहां पर यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये आरोप लगाए थे कि हुआवई जो है वो चाइना की सरकार के साथ अपने रिश्ते उजागर नहीं करने देना चाह रही, ये अब पूरी तरीके से शक के घेरे में आ चुका है। तो अब तक चाइना को पता है कि इंडिया नेक्स्ट हॉटस्पॉट बनने वाला है। जैसा कि मैंने आपको खबर दिखाई, चाइना के कुछ लोग तबलीगी जमात में आते हैं और उसके बाद में, यानी कि चीन को सब पता है, वो भविष्यवक्ता है, वो अगर चाहे तो स्टॉक के बारे में भी भविष्यवाणियां कर सकता है। यह खबर भी आई है कि जहां पर कोरोना वायरस के बाद में स्टॉक मार्केट नीचे गया है वहां पर चीनी कंपनियों ने खूब पैसा डालकर सस्ते में वो स्टॉक खरीद लिए हैं। यानी कि जब यह मामला सुधरेगा उसके बाद के अंदर चाइना के हाथ में बहुत बड़ी
अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा बुद्धिजीवी कहते हैं। अच्छा, एक बात है जिसके ऊपर सभी के सभी बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं, और वो ये बात है कि वुहान से इटली चले गया वायरस, वुहान से अमेरिका चले गया वायरस, वहां से स्पेन चले गया, मगर वुहान से शंघाई क्यों नहीं गया? तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी चाइना के बहुत सारे समर्थक हैं, यहां पर हर किसी को आजादी है, कोई भी किसी के टुकड़े कर सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि वुहान से लेकर और शंघाई तक ट्रेनें ही नहीं है, फ्लाइट्स ही नहीं है, इसलिए वहां पर गया नहीं, और उसके पहले चाइना ने लॉकडाउन कर दिया। क्या यह बात सही है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि वुहान से लेकर शंघाई के बीच की दूरी कितनी है और वहां की ट्रेनें कितनी है हर रोज। तो पहले तो यह देख लीजिए कि शंघाई और वुहान के बीच में केवल 4 से 6.5 घंटे के बीच में दूरी कवर कर ली जाती है, जो पहले 10 से 20 घंटे के बीच में करी जाती थी। यानी कि यह मान लीजिए बस कि मुंबई और पुणे के बीच के अंदर जिस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वैसा ही वुहान और के बीच में है। अब वहां के बीच की ट्रेनें कितनी है यह भी देख लेते हैं। लोग बस से, कार से वैसे तो जाते ही होंगे, मगर ट्रेनें कितनी है? तो इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि वुहान से शंघाई के बीच के अंदर ट्रेनें ही ट्रेनें हैं, कोई कमी नहीं है। 5 घंटे के अंदर धड़ाधड़ वहां से जितने लोगों को जाना है जाओ और कोरोना फैलाओ, मगर वो फैला नहीं पाए। ऐसा आखिर कैसे हो गया भाई? अच्छा, एक बात जो सबसे जरूरी है, हुआवई के ऊपर अगर बैन नहीं लगता तो क्या हो जाता? इस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। केवल और केवल हुआवई के पास में वो रिसोर्स हैं कि वो सस्ते दरों के ऊपर पूरे के पूरे वर्ल्ड को 5G बना के दे सके। उसकी जितनी भी कंपिटिटिव जो मार्केट आने वाले हैं या जो कंपनीज आने वाली हैं, उनसे वो बहुत सस्ता बना के देता तो वो तो ठहर ही नहीं पाती। यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर 5G जो नेटवर्क है वो केवल और केवल हुआवई को बना के देने वाली थी, मगर उसके पहले अमेरिका को उसके ऊपर शक हुआ और उन्होंने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बाहर निकाल दिया अमेरिका से। तो क्या 5G से पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा किया जा सकता था? इस बात को आप जानिए कि अगर आपके पास में स्टॉक के अंदर 2-3 सेकंड पहले भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हो। पूरे के पूरे विश्व के हर सेकंड अरबों का झोलझाल हो सकता है, अरबों का ही नहीं खरबों का हो सकता है, अर्थव्यवस्थाओं को पूरा चोट किया जा सकता है। सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं 2-3 सेकंड को अगर आगे पीछे मैनिपुलेट कर दिया जाए तो वो सारे के सारे एक कंट्री अपने पास में रख सकती है। सटोरिये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, और कोई जाने या नहीं जाने, और इंडिया के अंदर जिस हिसाब से ब्लैक में सट्टा चलता है, मेरी बात सब समझ गए होंगे। तो ये माना जा सकता है 2020 के अंदर जिस प्रकार से हो सकता है कि चाइना अगर सबको कंट्रोल करने वाली थी, एक ही बारी में सल्टाने वाली थी, खासकर उस ब्रिटेन को जिसने ओपियम वॉर के अंदर चाइना की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई थी, वो 5G वाला सिस्टम फेल हो गया, तो उन्हें चाहिए था प्लान बी। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, इसमें चीन से फैला हुआ वायरस ने सबसे कम चीन को नुकसान पहुंचाया है, और US, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सब घुटनों के बल आ गए हैं। ये सारे के सारे US के साथ थे जहां पर वो 5G वाला जो प्लान है या जो कुछ भी है वो फेल कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस समय हम तीसरे विश्व युद्ध के बीच में हो, जैसा कई सारे बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, और हमें पता ही ना हो? एक ऐसा विश्व युद्ध जिसे देख सब रहे हैं मगर जिसके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पा रहा। मीडिया की क्या हालत है? मीडिया की यह हालत है कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा कुछ कर दिया होता, जैसे कि अभिनंदन वाला केस ले लीजिए, तो न्यूज रिपोर्टर पाकिस्तान जाकर उसको उठा के ले आते, मगर इस केस के अंदर जहां पर चाइना सामने है, साफ साफ बोलने में समस्या क्या आ रही है उन्हें? जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी के सारी प्रिंटेड हैं, फैक्ट के साथ में हैं, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं बना रहा, क्योंकि सामने चाइना है, पाकिस्तान नहीं। खुलो यार, बोलो कुछ, टाइम पास के लिए बोल दो, बुरा नहीं मानेंगे हम, मगर कोई चीज सामने तो लेकर आओ। मैं इस चीज को नहीं बता सकता, मेरे पास में इतने रिसोर्सेस नहीं है, काबिलियत नहीं है, मगर ये सारी की सारी स्टोरीज क्या कहती हैं? आप क्या सोचते हो? कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, क्योंकि इस समय बाकी मीडिया बहुत ज्यादा बिजी है पलायन करते हुए यात्रियों का दुख दर्द बताने के लिए। उन सभी यात्रियों का दर्द मुझे भी है, मगर वो कितना बड़ा खतरा है इस बारे में किसी मीडिया ने अभी तक कोई चर्चा नहीं करी है। मुझे अपना देश पसंद है, आपको भी होगा, मगर यह समय है सारे के सारे विपक्षी पार्टियों को, सारे के सारे मीडिया को एक जगह एकजुट आकर एक डायरेक्शन में काम करने के लिए, नहीं तो चाइना वाले एक और रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और 7 दिन बाद वो रिपोर्ट भी फिर ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी भी प्रकार के हम युद्ध के अंदर हैं, मगर मैं एक बात की आपको चेतावनी जरूर दे रहा हूं, तबलीगी जमात के अंदर जिस प्रकार से एक संक्रमण फैला है, यह भी एक संयोग हो सकता है।
और अगर ये संयोग हो या नहीं है, मगर आपको इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि किसी भी कम्युनिटी के ऊपर किसी भी तरीके का ठीकरा फोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमें सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखना है, साथ ही के अंदर जो सरकारें कर रही हैं, अगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी है, तो ये मेरे से भी ज्यादा काबिल लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहले से है, वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक होगी या नहीं होगी, भ्रम हमें नहीं फैलाना है, इस बात का ध्यान में रखना है, और फिलहाल हमें घर में ही रहना है। बाकी आप समझदार हो, मैं कुछ चीजें बोल सकता हूं, कुछ मैं नहीं बोल सकता। धन्यवाद। जय हिंद।